नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चौथी काव्य उठो दरा के अमर सपूतों करने जा रहे हैं, जिसका कवि है श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे सिपाही है उनको कहा है कि आप आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ करें और देश का नया निर्माण करें, देश की तरक्की करें। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रकृति के तत्वों से हमें सीख देने की कोशिश की है। तो उन्होंने इस कविता में कहा, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो दरा के अमर सपूतों, यानी हे सपूतों, उठो फिर से अपने देश का एक नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से, जन जन मतलब लोगों के जीवन में फिर से एक नई ताजगी लेकर आओ, उसमें एक नए प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। नई प्रात है, एक नई सुबह हुई है, उसकी बात एक अनोखी है, निराली है। जो सूर्य उगा है नया, उसकी एक नई किरण है और उसका प्रकाश भी नया है। तो इस प्रकाश में लोगों के अंदर जो उमंगे हैं, आशाएं हैं, वो भी नई है, नई तरंगे हैं। तो उनके अंदर एक नई आशा जन्म ले रही है, उनकी नई सांसें उठ रही हैं। तो हे सपूतों, तुम युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी जो गुलामी सहते सहते मुरझा गए हैं, उदास हो गए हैं, ऐसे लोग जिनमें आज जीने की आशा नहीं है, फिर भी वह जी रहे हैं, तो उनके अंदर खुशी लाने के लिए कह रहे हैं कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यानी ऐसे लोग जो उदास हो गए हैं उनको तुम खुशी दो, उनकी मुस्कुराहट को वापस लेके आओ। हे उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो हे दरा के अमर सपूतों, तुम फिर से एक नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ बेहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। बेहक, बेहक मतलब पक्षी, जो डाल डाल पर बैठ बेहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो इस नई सुबह में, नई सुबह हुई है, नए सूर्य निकला है, तो ऐसे में पक्षी भी डाल डाल पर बैठकर एक नए स्वरों में गीत गा रहे हैं और बावरे भी गुनगुन कर रहे हैं और फूलों पर मंडरा रहे हैं। तो इस नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। तो इस नवयुग में, इस नूतन वीणा, नूतन वीणा मतलब नए राग में, नई वीणा में तुम एक नया राग भरो, नया गान करो। तो उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो हे दरा के अमर सपूतों, तुम उठो और फिर से देश का एक नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कली कली खिल रही इधर, यानी एक बगीचे में जो है फूल, जो कली बने हैं वो खिल रहे हैं, वह फूल फूल मुस्काया है, यानी वो पूरी तरह से खिल कर मुस्कुरा रहे हैं, और धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो धरती ने भी आज एक नया रंग ओढ़ा है, नई प्रभात में उसकी काया जो है एक नए सुनहरे रंग की नजर आ रही है। तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। तो ऐसी मंगलमय यानी कल्याणकारी ध्वनियों से, नूतन मतलब नई, तो ऐसी नई कल्याणकारी ध्वनियों से तुम ये सारा जग, ये सारा बगीचा गुंजित करो। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर यानी स्कूल, जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वह क्या है? वह सरस्वती का पावन यानी पवित्र मंदिर है। तो वह शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तो वो शुभ संपत्ति
संपत्ति यानी धन है हमारा, विद्या जो है एक धन है हमारा, तो तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो तुम में से हर बालक इसका रक्षक होना चाहिए, इसका पुजारी होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती के उस पवित्र मंदिर में हमने विद्या प्राप्त की है, जो विद्या हमारी संपत्ति है। तो हर बालक जो है उसका रक्षक और पुजारी है। तो ऐसे शत शत, शत शत मतलब सौ सौ, सौ सौ दीपक जला ज्ञान के, तो ऐसे ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर तुम नव युग का आह्वान करो, तुम नए युग का आह्वान करो यानी निर्माण करो। उठो दरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो ये पोयम आपको समझ में आई होगी। तो अब इस पोयम को हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद हम ये शब्दार्थ भी लिखेंगे।